कौन सी शक्ति माना? आत्मक शक्ति प्लस कंबाइंड परमात्म शक्ति। तो जो प्रैक्टिकल निश्चय बुद्धि है, जिसको पक्का पक्का निश्चय है अपने आप में, अपने बाप में, और ड्रामा में स्वीट ड्रामा है, उसकी पूरी नॉलेज है, नॉलेज के साथ धारणा है, भगवान की श्रीमत पर चलने की शक्ति है उसके अंदर, तो उनके अंदर मन के अंदर इतनी साइलेंस होती है, कोई भी व्यर्थ खाता नहीं, वेस्ट का संकल्प नहीं, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन, उससे वो शक्ति अंदर जमा होती रहती है। साकीपन के सीट पर खड़े होके ड्रामा के रास को जानते हुए वो साइलेंस की शक्ति को अंदर जमा करते रहते हैं, क्योंकि उनका व्यर्थ खत्म हो जाते हैं, व्यर्थ बात उत्पन्न ही नहीं होती और व्यर्थ की बात जमा भी नहीं करते। ये सब कर्म इंद्रियां, उनकी कर्म इंद्रियां है खुली हुई, आंखें खुली हुई है, कान खुले हुए हैं, मुख भी खुला हुआ है, लेकिन कोई भी व्यर्थ बात न आंखों के द्वारा देख के अंदर चिंतन को बढ़ाती है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, इस चिंतन से वो आत्मा फ्री है, वो हर एक के पार्ट को जानते हैं, हर एक के पार्ट को जानते हैं, उनकी नेचर को जानते हैं, उनके भविष्य को भी जान जाते हैं, तो उनका अंतरक बिल्कुल सागर के समान, भले ऊपर में लहरें होती है पर अंदर सागर के समान बिल्कुल शांत, तो उसे शांति में बहुत शक्ति है, वेस्ट कुछ नहीं होता है, शांति जमा ही जमा होती रहती है। और वो जो साइलेंस की शक्ति है अंदर, माना मन उसका बस में रहता है, कंट्रोल में रहता है, माइंड इधर का उधर नहीं जा सकता है, मन मेरा है ना, बाबा ने परिचय दिया मन मेरा है, मैं आत्मा बोलती हूं, ये संकल्प शक्ति मेरी है, इस संकल्प शक्ति को कहां लगाना और कैसे लगाना है मालूम है, तो हम अपने संकल्प को व्यर्थ में नहीं लगाएंगे, जो राइट बात है उसी के बारे में हम सोचेंगे, उसी के बारे में निर्णय करेंगे क्या करना है, रॉन्ग है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ ही देती है साइलेंस की शक्ति वाला, और उनमें सब दिव्य गुणों की धारणा आ जाती है, ऐसा समय आ जाएगा तो उसमें सहनशीलता भी होंगी, ऐसा समय आ जाएगा तो कर्म इंद्र को जीत भी सकेंगे, कोई भी कर्म इंद्र उसको धोखा नहीं दे सकती, कर्म इंद्र जीत, निंद्रा है, आज निंद्रा कितनी खींचती है सबको, तो निंद्रा जो सबसे सूक्ष्म है, हाँ, जो सबको प्यारी लगती है, इसको जीतना भी लोगों को कठिन लगता है, लेकिन साइलेंस की शक्ति वाला जो अंदर ही अंदर परमात्म शक्तियों को जमा करता रहता है ना, वो निंद्रा जीत भी हो जाता है सहज ही सहज, और वो योग युक्त भी रहते हैं। Oh, 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 oh
Thank you.
Thank you.